नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोम एकेडमी और आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के बारे में। जो उत्तर प्रदेश में पीसीएस के पदों के लिए आपकी 2019 की परीक्षा होनी है, प्रत्येक वर्ष यह परीक्षा संपन्न कराई जाती है, उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म और एग्जाम डेट आपकी निश्चित कर दी गई है। वैकेंसी डिटेल, योग्यता, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में आपसे चर्चा की जाएगी। तो आशा करते हैं ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे ताकि आपको सबसे पहले मिलेगा वीडियो का नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म के लिए। तो आज के न्यूज़पेपर में यह जो न्यूज़ आई हुई है कि आपकी जो प्री एग्ज़ाम की परीक्षा होगी 2019 के लिए यूपी पीएससी के माध्यम से पीसीएस की, उसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म होंगे अक्टूबर के मध्य में आपके आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि 15 से 20 अक्टूबर के बीच आपके जो ये फॉर्म हैं ऑनलाइन फिल हो जाएंगे और इसके लिए आपको जो है एक महीने का समय दिया जाएगा। एक महीने तक आपकी जो है फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी जिसमें आपका ऑनलाइन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होगा, फीस वगैरह जमा करने की जो है तारीख जो है आपको एक महीने का समय मिल जाएगा। दूसरी बात, एग्ज़ाम डेट जो है यूपी पीएससी के कैलेंडर पर ऑलरेडी पब्लिश की गई थी, तो ये आप ज़्यादातर लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 दिसंबर में आपका जो एग्ज़ाम है प्री वो होगा। 15 दिसंबर 2019 को आपका एग्ज़ाम होगा। ज़्यादा समय आप लोगों के पास नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो अपनी तैयारी को जो है गति प्रदान करने के लिए आप हमारे जो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वेबसाइट पर जाइएगा और ऑनलाइन मॉक टेस्ट दें ताकि यूपी पीएससी के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो सके। तीसरी बात करते हैं वैकेंसी डिटेल की। वैकेंसी डिटेल के लिए जो है स्पष्ट किया गया है अखबार में, ज़्यादा जो वैकेंसीज बताई जा रही है वो 270 के आसपास आपकी बताई जा रही हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार जो है वैकेंसीज कम हैं, लेकिन इतनी ही वैकेंसीज के लिए अभी जो है आयोग विज्ञापन अपना जारी करेगा और इसके लिए आपका एग्ज़ाम होगा 19 को। योग्यता और सिलेबस के बारे में यदि बात की जाए तो योग्यता में आपको जो है यूजी अर्थात ग्रेजुएट क्वालिफाई होना चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन में जो आपने पास किया हुआ है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो अपीयरिंग ईयर में हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों के पास यदि ग्रेजुएट से अलग कोई डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिलेबस के बारे में यदि बात की जाए और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी यदि बात की जाए तो पूरा का पूरा सिलेक्शन जो है आपका तीन प्रक्रियाओं में यहाँ पर पूरा होता है। तो दोस्तों, यदि बात की जाए प्री एग्ज़ाम्स के बारे में और मेन एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू, ये तीन प्रोसेस होते हैं आपके जो सिलेक्शन के लिए आप लोगों को क्वालिफाई करने होते हैं। तो मेन एग्ज़ाम से पहले आपका प्री एग्ज़ाम होता है, जो कैंडिडेट प्री एग्ज़ाम में क्वालिफाई शॉर्ट टू लिस्ट किए जाते हैं कट ऑफ के माध्यम से। कट ऑफ लगभग 118 से 125-30 के आसपास इसकी रहती है, क्योंकि 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर यदि क्वालिफाई की बात की जाए तो लगभग 130 के आसपास आपको स्कोर करना होगा और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें इस बार से लागू की गई है, जो 2018 से इसमें नेगेटिव मार्किंग भी लागू कर दी गई थी। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शंस होगा वो तीन परीक्षाएं आपको क्वालिफाई करनी होंगी, जिसमें आपका प्री एग्ज़ाम्स होगा, मेंस एग्ज़ाम्स होगा और इंटरव्यू होगा। तीनों के मार्क्स जो हैं आपके यहाँ पर इंक्लूड होने के बाद ही आपका सिलेक्शंस होगा। यदि पहले बात की जाए प्री एग्ज़ाम्स की, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट जो है सबसे पहले प्री एग्ज़ाम को ही क्वालिफाई करना होगा, तभी आप मेंस तक पहुँचोगे। तो यहाँ पर आपके दो पेपर्स होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर टू। तो यहाँ पर बात की जाए 200 मार्क्स का आपका होता है पेपर फर्स्ट और 150 इसमें क्वेश्चंस होते हैं, और पेपर टू जो है इसमें कई सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं जो एक क्वालिफाई नेचर का होता है, जिसमें आपको 35% स्कोर लाना ही होता है। यदि आप पेपर टू क्वालिफाई करोगे तभी आपका पेपर फर्स्ट का जो है एग्ज़ाम की जो आपकी OMR सीट है वो चेक होती है, अदरवाइज आपका जो है डिसक्वालीफाई कर दिए जाते हो यदि आप पेपर टू में क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। यहाँ पर यदि कट ऑफ की बात की जाए कि कितने नंबर पर आपको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए,
तो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ कि आप 90 से 100 क्वेश्चंस तक यदि अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपका जो सिलेक्शन है वो जनरल कैटेगरी में आपका, जिन्हें रिजर्वेशन नहीं है उनके लिए आसानी से क्वालिफाई हो जाता है। रीज़न यही है कि एग्ज़ाम में जो है नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया भी 2018 से लागू की गई है, तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है, इसलिए इसकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई नहीं जाती है। 90 से 100 क्वेश्चंस के बीच में यदि आप कर लेते हो तो आपका जो है क्वालिफाई हो जाता है। डिफरेंट कैटेगरी के लिए जो है कट ऑफ में भी थोड़ी आसानी होती है, उनकी कट ऑफ थोड़ा कम से जाती है। और मेंस एग्जाम्स के बारे में यदि बात की जाए तो मेंस एग्जाम के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है पूरी जानकारी दे देंगे, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स होते हैं, तो उसके बारे में विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। इंटरव्यू होगा आपका जो मेंस एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद जो है आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से आपको सुचारू जानकारी मिल चुकी होगी, और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ऑनलाइन एग्जाम के जो है प्रैक्टिस टेस्ट हल कर सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।